फाइनली द वेट इज गेटिंग ओवर और अब होने जा रहा है फाइनली प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन. अभी समझ में अमिताभ बच्चन ने उसको क्यों पाला था, ये भी अमिताभ बच्चन जैसा ही. तो भाई डॉबरमैन फैसिलिटी में 6 नंबर इसने लिया और ये इंडियन चैंपियन भी रह चुका है. अबे अब बुलडॉग, काम कुत्तों वाले लेकिन नाम किसी और जानवर का. बुल और तू जर्मन शेफर्ड, कभी तेरा बाप भी जर्मनी गया था क्या? और तू बॉक्सर, कभी तेरे चाचा ने भी ग्लव्स पहने थे क्या बॉक्सिंग के? सो गाइस, फिर से हम लोग जा रहे हैं दोबारा से डॉग शो में. तो आने के बाद मैं सो गया था क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी. खैर अभी पूरी नहीं है क्योंकि मैं सो नहीं पाया. आने के बाद 2 घंटे थे मेरे पास में, फिर आधा घंटा कुछ काम आ गया, फिर आधा घंटा कुछ और हुआ, फिर जैसे मैं सोने गया तो देखो मेरे साथ में क्या हुआ, पंखा गिर गया मेरे पैरों पर. तो भाई पंखा ही टूट गया है देखो. तो देखा आपने कैसे मेरे पंखा गिर गया, पैरों पर गिरा. पर ये है कि बाय गॉड्स ग्रेस नसीब अच्छी है मेरी, तब व्लॉग तो नहीं कर रहा था मैं, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ. पर सोचा बता दिए, खास इस व्लॉग से तो कुछ काम नहीं इसका, लेकिन फिर चलो चलते हैं अभी. तो गाइस काफ़ी सारे डॉग आ चुके हैं और ये देखो छोटा सा डॉग, काफ़ी सारे बड़े डॉग भी आ चुके हैं. तो अब थोड़ा सा गेम में मजा आने वाला है. गाइस ग्रेट डैन इज लिटरली ग्रेट. इसका नाम है ब्रूटस. इसकी हाइट कितनी हुई यार खड़े होने के बाद में? 8 feet 9 feet. 7 months old. Wow, nice. अभी समझ में अमिताभ बच्चन ने इसको क्यों पाला था, ये भी अमिताभ बच्चन जैसा ही. तो मैम का है ये ब्लूटूथ. थैंक यू मैम. एग्जैक्टली टाइम नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली ब्लॉक कर रहा हूँ. थैंक यू. तो भाई अब तक एक ब्रीड से मैंने आपको नहीं मिला जो मेरी फेवरेट ब्रीड है. फेवरेट मतलब फेवरेट, मैंने पहला डॉग ही वही लिया था. तो भाई वो ब्रीड है डॉबरमैन. तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा अमेजिंग डॉबरमैन है, चलो कोशिश करते हैं कि उससे मिले. का नाम जॉर्ज. तो भाई रघुनाथ सर का ये जॉर्ज है, बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा लगा. मैंने उसको रिंग में देखा था क्योंकि मैं उसको ढूंढ रहा था जब से. नहीं उसको एसी में रखते हैं. अच्छा अच्छा, गाड़ी में रखते हैं, फिर भी पसंद नहीं है. हाय जॉर्ज, काफ़ी सेंसिबल और बहुत प्यारा है. मैंने पहला डॉग डॉबरमैन बॉम्बे का इम्यूनिटी ज़्यादा रहता है बहुत ज़्यादा. तो भाई डॉबरमैन फैसिलिटी में 6 नंबर इसने लिया और ये इंडियन चैंपियन भी रह चुका है. हाय जॉर्ज, गुड बॉय. फिजिकल बॉडी चेकअप हो रहा है, देखो शेर बॉडी एंड ऑल. तो फ्रेंड्स ये देखो मेरे स्कूल के फ्रेंड परमप्रीत भाई, अभी अभी मिले यहाँ पे सडनली. क्या हाल चाल? बस बढ़िया. बस भाई बढ़िया. तो थोड़ा कैचअप करते हैं, बहुत टाइम बाद मिले, फिर साथ में शो देखते और एंजॉय करते हैं. सो हियर वी हैव पाकिस्तानी बिल्ली बिटवीन अस. खतरनाक है भाई, क्या साइज है, तगड़ा एकदम. ओनर के हिसाब से डॉग है, परफेक्ट रखा है पीस. ये एक डॉग है जो मेरे फ्रेम में प्रॉपर आ रहा है, बाकी सब छोटे लग रहे थे. सो हिज नेम इज जोजो. ये देखो एक और डच हाउंड. हाय दोस्त, कैसा है? क्यों भाई तू क्यों रुका हुआ है, तू भी जा. अरे अरे मुझे भगा क्यों रहे हो, मैं थक गया हूँ भाई, सुबह से ये लोग भगाए जा रहे भाई. ये देखो गाइस कितने प्यारे प्यारे हस्की आ गए, ध्यान से देखो. हस्कीस बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं ये लोग और बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल समझदार होते हैं. इन लोग का भी अच्छे से मैं दिखाता हूँ आपको, कवर अप करने की पूरी कोशिश करता हूँ. मेरे पास जूम लेंस नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर अप नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. अरे मुझे खेलने दो ना भाई, बांध के क्यों रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने सारे कुत्ते आए क्यों हैं, खेलना नहीं था तो बुलाया क्यों. बेचारा हस्की कब से परेशान है, खेलना चाह रहा है. तो भैया बारी आ गई है हमारे हस्की भैया की. तो ये हमारे छोटू हस्की भैया है, इसका नाम है स्नो. रन. तो भाई उसके पार्टनर ने उसको पास किया, बोला कॉन्ग्रेट्स ब्रो, हम जीतेंगे. तो मोटिवेशन के साथ में चल रहा है हमारा हस्की, एकदम खतरनाक, गुड बॉय. ट्रेनर के थ्रू ट्रीट मिल रही है दोस्त को. तो यहाँ पे जितने भी रिंग में डॉग्स आ रहे हैं वो सब उनके ट्रेनर्स लेके आ रहे हैं, मालिक लोग तो नहीं लेके आते क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता ना. ये देखो एक और हस्की, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है भाई साहब, इसका कोट खतरनाक है, ये मुंबई आ सकता है. तो अब्दुल भाई यहाँ पर स्टेज की तैयारी करा रहे हैं, स्टेज को और अच्छा करने में हेल्प करा रहे हैं. क्या बात है, भाग लकी भाग. क्या बात है, बढ़िया वॉक कर रहा है दोस्त. बहुत क्यूट चल रहा है गाइस, खतरनाक, अमेजिंग अमेजिंग, नाइस नाइस, डन वेल.
अरे मैं कब से तैयार होके बैठी हूँ, मेरी बारी कब आएगी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। देखो कितने क्यूट लग रहे हो। कितने साल का है? तो भाई एंजेलो सर के पास में बहुत सारे प्यारे प्यारे डॉग्स हैं, 10-12 डॉग्स इनके पास में, लाइक डॉबरमैन है, ये फ्रेंच बुलडॉग है, उसके पास मैंने जर्मन शेपर्ड आपको दिखाया, इंडियन बुली दिखाया, काफ़ी कुछ इनके पास में। तो ये देखो एक बहुत ही प्यारा सा इनके पास फ्रेंच बुलडॉग है, तो वहाँ पर लेके बैठे हुए। ये देखो क्या नाम है सर इसका? गिगी। ओके गिगी, हाय 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 हाय। एक बहुत बहुत ये प्लेफुल है ना काफ़ी। हाँ बहुत मस्ती कर रहे हैं, घर पे परेशान करती रहेगी फुल एकदम। खेलने के लिए चाहिए। हाँ खेलने के लिए। थोड़े छोटे हाइट वाले जितने भी मतलब ब्रीड डॉग रहते ना, वो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो भाई एक बहुत ही प्यारी ब्रीड है गोल्डन रेट्रीवर, अगर आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो एक रेफरेंस देता हूँ, पता चल जाएगा। एंटरटेनमेंट पिक्चर देखी होगी आपने अक्षय सर की, तो उसमें जो डॉग था वो था गोल्डन रेट्रीवर, तो उनका भी यहाँ पर शो चल रहा है, तो थोड़ा बहुत ये भी दिखाता हूँ और उसके बाद में हो सके तो और कुछ प्यारे प्यारे डॉग से मिलाता हूँ। तो भाई ये रहे गोल्डन रिट्रीवर्स, प्यारे प्यारे गोल्डन रिट्रीवर्स, क्या बात है, वाह शाबाश। तो भाई अब तीनों का स्टैक बनाएंगे और देखेंगे कि किसका बॉडी पोस्चर ज़्यादा अच्छा है, जिसका अच्छा होगा वो जाएगा अगले राउंड के लिए। सो गाइस कैमरे में फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई है, बट मैं आपको बता दूं कि ये है बुल मैस्टिफ और इसका नाम है बाजी, पंजाब से लाया गया है ये बहुत ही प्यारा सा, इतना बड़ा डॉग देखो कितने प्यार से देख रहा है भाई। ये देखने में ख़तरनाक भी बहुत दिखता है और प्यारा भी बहुत दिखता है, ओपिनियन अपना अपना है। तो यहाँ हम लोग बेसिकली यही सब बातें कर रहे थे, बट क्या करे वॉइस ही नहीं आया। पाजी दूसरा पाजी अंग्रेजी है क्या? अंग्रेजी नहीं है। कितने महीने का? 9 महीने। राजा सर ओके योर राजा राय खतरनाक है नाइस बढ़िया भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर किया कि गोल गोल नाचता एकदम। मैंने आपको प्यारे प्यारे पपीज तो दिखाई दिए और बाकी भी देखते हैं, जो भी जीतेगा वही कहलाएगा सिकंदर और क्या। तो देखो यहाँ पे एक बहुत प्यारा एक और जर्मन शेपर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या नाम है? स्टेला। ओके ओके फीमेल डॉग है? फीमेल। ओके फ्रेंडली है? ऑफ लीश है ऑब्वियसली। हाय स्टेला गाइस लुक नाइस, बहुत शांत और बहुत काम है। ये खेलने आई घूमने आई खाली? अच्छा खेला इसने? विनर है? वाह ऑब्वियसली, मतलब ये अच्छी लगी मुझे जितने जर्मन शेपर्ड्स मैंने अब तक देखे ना। तो भाई यहाँ जोजो ने भी बेस्ट ब्रीड का रिंग अवार्ड जीत गया है, वो अवार्ड लेना बाकी है, तो अभी सब लोग अवार्ड लेने वाले, तो सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्द अवार्ड सेरेमनी चालू होने वाली है, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो अब अवार्ड सेरेमनी करके ही जाएंगे, तो मतलब आज का ये व्लॉग पूरा होने वाला है। सो लुक हियर गाइस, ये है मिल्की की डॉटर, मैंने आपको दिखाया था ना मिल्की। अरे डैन क्या चीज़ है, देख रहे हो क्या चीज़ है ये, आज के समारोह के सारे विजेता डॉग्स। अले अब मैं भाग लाऊं जोल जोल छे, अले भागो ले बाबा भागो भागो भागो। पीछे वाले को देखो कितना क्यूट लग रहा है। तो भाई ये देखो स्टैक पोजीशन लिया जा रहा है छोटे छोटे पपीज का भी, और इनका भी अभी जज लोग देखेंगे और उसके बाद में वैसे मिलेंगे पॉइंट्स। बड़े भाई लोग आए, छोटे भाई लोग यहाँ आए। गाइस लुक व्हाट अ क्रेजी सीन्स यार, खतरनाक, सारे ही डॉग्स अपने अपने स्टैक पोजीशन में, अमेजिंग लग रहा है। मतलब आई डोंट नो वीडियो में क्या आ रहा है, मेरे पास जूम लेंस नहीं है, मैं बहुत अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट भाई साहब बहुत मस्त लग रहे हैं भाई। मतलब जो डॉग लवर्स हैं ना उनको पता है ये सब चीज़ें, जो नहीं होंगे शायद उनको नहीं पता होगा, तो सॉरी भाई लोग आपको हो सकता है ना समझे, पर स्टैक पोजीशन मतलब उनका जो बॉडी पोस्चर होता है ना, कैसे हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हमारी बॉडी अच्छी होती है हमको लोग देखते हैं, जब सही ढंग सही स्ट्रक्चर में होती है मतलब उसको स्टैक बोलते हैं, एक पोजिशन में खड़े होते हैं तो वो हिसाब से विन भी होते हैं। सबसे हार्ड तो भाई वो डॉबरमैन और उसके पीछे जो स्टेला है ना जर्मन शेपर्ड, ये दोनों मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, लिटरली बहुत प्यारे लग रहे हैं। बॉल देख के एकदम पागल हो रहा है ऑस्कर की तरह, ऑस्कर भी हमारा ऐसा ही है, बॉल देखा लेके गया। जर्मन शेपर्ड बिल्कुल अलग से स्पेशल लाइन में, पीछे देखो भाई लाइन से सारे ही मतलब खतरनाक खिलाड़ी। लुक एट हिम गाइस, द बीस्ट ऑफ दिस होल रिंग, ट्रीट दिया जा रहा है उसको, ट्रीट बिस्किट होती है जिस जो उनको बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। तो भाई अब मिलने जा रहा है बेस्ट हैंडलर, यानी कि जो ट्रेनर्स है ना इनमें से किसको अवार्ड मिलेगा ये भी देखते हैं। तो मेरा ये अनुमान है कि भाई या तो इन भाई को या तो उन भाई को ही मिलेगा,
देखा जैसे कि मैंने बताया था, सबको बाहर कर दिया और अब इन तीनों में से किसी एक को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो मुझे लगता है डॉबरमैन वाले को पहला, और उसके बाद में दूसरा वाला जो कोट वाला बंदा है उसको दूसरा, और बॉक्सर वाले अंकल यानी वाइट शर्ट वाले अंकल को थर्ड रैंक मिल सकता है शायद। देखा गाइस, मतलब मैं भी अच्छी जजिंग कर सकता हूँ, है ना? बिल्कुल सही। जो जो मैं सोच रहा हूँ ना वो हो रहा है, जो मुझे पसंद आ रहा है वो जीत भी रहा है। अगली बार मैं जज बनूंगा, मैंने बोला था ना ट्रॉफी मैं दूंगा, मतलब मेरे हिसाब से दी जा रही, तो समझ लो मैं ही दे रहा हूँ। उसको दिया जा रहा है कुछ टारगेट्स, उसके बाद ही फाइनली सिलेक्ट होगा कि कौन बेस्ट ट्रेनर है। तो चलो भाई, अपना फेवरेट डॉग भी आ गया और ट्रेनर भी, वाह भागो। अगर इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुना ट्रेनर की इस डॉग ने, तो भाई ट्रेनर बन जाएंगे विजेता। डॉग भी बन सकता है उसका पता नहीं, पर मेरे हिसाब से डॉग भी बनने ही वाला है, क्योंकि अमेजिंग पीस है गाइस। वाओ, विष्णु सर समझा रहे क्या करना एग्जैक्टली। बढ़िया ट्रेनर है, डॉग से प्यार करता है, उसने उसको किस किया, वाओ। ये होना भी ज़रूरी है, लाइक प्यार करना भी ज़रूरी है, जितना हारना तो अपनी अलग जगह है पर यार प्यार होना चाहिए। तो भाई मैदान में एक और ख़तरनाक चीज़ ला दी गई है गाइस, चेक इट आउट, ग्रेट डन आ गया है भाई साहब। अमिताभ बच्चन मेरा ब्लॉग देख के बहुत खुश होंगे, मजा ही आ गया गाइस। अमिताभ बच्चन जी के फेवरेट कुत्ते को रिकॉर्ड करना मैं भूल ही गया गाइस, सॉरी जरा गलती हो गई। अभी जर्मन शेपर्ड को ब्लॉग देखने में मजा आएगा, देखना ये लोग कैसे चलते हैं, मेरे पास तो है मुझे पता है ना। रन गाइस, वाओ देखो ये बच्ची कितने प्यार से डॉबरमैन को संभाल रही है, बहुत बात मानता है इस बच्ची का, मैंने काफ़ी देर तक मतलब नोटिस किया, बहुत अच्छा। मतलब ये देखो ट्रेनर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और साथ में फॉलोअप कर रहा है, देखो कितना शांति से खड़ा है, मतलब बिल्कुल हिल नहीं रहा है, मतलब इतना ज़्यादा ओबीडियंस इसके अंदर है क्या बताऊँ। फाइनली द वेट इज़ गेटिंग ओवर और अब होने जा रहा है फाइनली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। तो अब जा कर के पूरा शेड्यूल ख़त्म होने वाला है, करीब करीब 9 बज गया और अभी 15-20 मिनट और जाएगा। तो आज सुबह से लेके 9:30 बजे तक का यही पूरा शेड्यूल रहा है, बस बीच में हम लोग 2 घंटे करीब करीब अपने घर गए थे, तो अब जाके ख़त्म हो रहा है, इतना पूरा टाइम लगा इसको बनाने में। चलो देखते हैं किसको क्या मिलता है। सो यप, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप सो ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो देख लेना कि याद से बेल आइकन दबा दिया हो। आज का ये ब्लॉग यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।